नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि CGPSC मेंस कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के अपनी क्लास के अंदर जो पढ़ाने की पद्धति है और एक जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम बात करते हैं उसको लेकर के एक सीरीज चला रहे हैं। और इसी तारतम्य में आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के समक्ष पेपर 3 पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट। ये सिलेबस ही जब मेंस का आप देखेंगे तो शुरू होता है संवैधानिक विकास का इतिहास, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो इतिहास है ये बताता है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय, ये फॉर्मल संविधान के निर्माण का समय था। लेकिन जो अंग्रेजों का शासनकाल रहा वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं, चार्टर एक्ट्स आते हैं, साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स कहते हैं। इन सारे एक्ट्स के माध्यम से हमने कुछ कुछ चीजों को अपने संविधान में लिया है और यही हमारे संविधान का ऐतिहासिक विकास कहलाता है। इसी तारतम्य में चार्टर एक्ट 1813 एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस विषय पर यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख प्रावधान मेन प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 ये 4 मार्क्स में यदि 60 शब्दों में पूछता है और पूछा भी हुआ है तो इसको किस प्रकार से हम डील करेंगे। इसके पहले थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 यानी जो साल का अंतिम दिन था उस दिन जब उसको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर प्राप्त होता है, रॉयल चार्टर हम जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा जिसके माध्यम से यह कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, तो यह भारत में व्यापार करने के लिए आती है और भारत में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने लगती है। जो तटीय प्रांत हैं भारत के वहाँ ये बेसिकली अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आवागमन की स्थिति जो है वो आप देखेंगे तो व्यापारिक प्रांत यदि सी ट्रेड से जुड़े हुए हो तो समुद्री आवागमन आसान हो जाता था क्योंकि उस समय यही जो परिवहन था वो उपलब्ध था। अब इसमें धीरे धीरे अपने व्यापारिक प्रांत स्थापित करना शुरू किया कंपनी और आप देखेंगे कि बंगाल की यदि हम बात करें, बंबई की बात करें और मद्रास की बात करें तो 3 व्यापारिक केंद्र जो थे वो प्रमुख रूप से उभर करके सामने आते हैं। 1757 में कंपनी प्लासी की लड़ाई जीत लेती है, 1760 में वॉन्डीवश की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को हराती है और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी एक मजबूत व्यापारिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ये सारे एक्ट्स ब्रिटेन की संसद के द्वारा बन रहे थे, ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय प्रणाली आई और जैसे आज हम देखते हैं हमारे संसद में बिल पास होता है वैसे ही ब्रिटेन की संसद से बिल पास होता था। तो जो ब्रिटेन की संसद से बिल पास होते थे उसमें एक बिल आया जो एक्ट बन के आया, भाई बिल जब पास हो जाता तो एक्ट बन जाता है, वैसे ही होता है जैसे कोई बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के पास गया और फिर वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये नियंत्रित करने के लिए था, ये रेगुलेट करने के लिए था, किसको ये रेगुलेट करने के लिए था, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, ब्रिटेन की संसद के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी अब सिर्फ कंपनी एक व्यापारिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि प्रशासनिक इकाई के रूप में भी स्थापित हो चुकी थी, जहां बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी अब प्रशासनिक नियंत्रण भी कंपनी अपना स्थापित कर रही थी देश के ऊपर। तो यहां आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है जहां कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम निदेशक कोर्ट कह देते हैं और प्रशासनिक कार्यों के लिए आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। तो कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी अब कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके व्यापारिक कार्य और उसके प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो चुके थे। ये 1784 के हम पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से देखते हैं। और फिर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा यह कहा गया था कि भाई हर 20 साल में चार्टर एक्ट आएंगे, चार्टर एक्ट मतलब चार्टर मतलब नियम, तो हर 20 साल में जो चार्टर एक्ट आएंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, चार्टर एक्ट जो है वो हर 20 साल के लिए आने वाले समय के लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो इसके बाद जो 20 साल के बाद आता है वो है 1793 में चार्टर एक्ट जिसने कंपनी के
व्यापारिक एकाधिकार को, और देखिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही अधिकार था, यानी यदि व्यापार की बात करें तो भारत में और कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। और इस व्यापारिक एकाधिकार को 1793 के रेगुलेशन 1793 के चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। अब हम आते हैं 20 साल के बाद यानी 1813 के एक्ट में, तो अब ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में हमको देखना है। तो 1813 का प्रमुख प्रावधान यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपनी ने एक बड़ी पैठ बना ली थी और भारत के साथ बड़े घुल मिल गए थे, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को, अब सीधी सी बात है कंपनी प्रशासनिक इकाई के रूप में ऊपर आ रही है तो व्यापारिक इकाई के रूप में धीरे धीरे नीचे आएगी। अब सिर्फ कंपनी व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का, तो अब ब्रिटेन की संसद ने कहा कि भैया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको हमको व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, और उनको भी व्यापार करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। तो यहां पर न सिर्फ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होना चाहिए बल्कि दूसरी कंपनियों को भी अधिकार होना चाहिए। तो हमने छोटी सी एक देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था कौन से एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, और इंग्लिश वालों के लिए कि बेटा ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वॉज एंडेड, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। लेकिन दो चीजों को छोड़कर, चाय और चीनी, तो चाय और चीनी को आपको कैसे याद रखना है कि भाई भारतीयों के साथ घुल मिल करके जो अंग्रेज थे वो भी थोड़े से इमोशनल हो गए थे, तो उन्होंने कहा सब कुछ हमसे छीन लो चाची को छोड़कर, तो चाची को छोड़ दो बोला है। तो चाची मतलब चाय और चीन। अब ध्यान से सुनेंगे, चाय और चीन का मतलब क्या है कि चाय का व्यापार और चीनी मतलब चीन से व्यापार। देखिए रेशम मार्ग बहुत पहले से है, सिल्क रूट बहुत पहले से, और बहुत पुराने समय से आप देखेंगे ह्वेनसांग और इस प्रकार के बहुत सारे जो चीनी आलोचक थे, समर्थक थे और जो विद्वान थे, वो उनका आवागमन हुआ भारत में, और भारत के साथ में जो चीन का व्यापार चल रहा था वो प्राचीन समय से चलता हुआ दिखाई देता है रेशम मार्ग सिल्क रूट के द्वारा। तो यहां पर चाय और चीन से व्यापार जो भारत का हो रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी, बाकी सब में भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि चाची को छोड़ दो, तो चाची को छोड़ दिया, यानी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन किसको छोड़कर, चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर। यानी यदि हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए चार चीजों का व्यापार हो रहा था, तंबाकू, मसाले, ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी, चाय और चीन से व्यापार। तो यहां पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार सब में था, सब में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी। तो कहा कि भैया चाय और चीनी में सिर्फ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा और इसको छोड़कर बाकी सब में कोई भी व्यापार कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोई दूसरी कंपनी एबीसी कंपनी आती है तो ये कंपनी अब तंबाकू पे कर सकती है, मसाले का व्यापार कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकती है तंबाकू का और मसाले का, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, ट्रेड मोनोपोली। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करेंगे, कोई भी कर सकता है, क्लियर है कि नहीं। अब लेकिन चाय और चीनी पे एकाधिकार किसका जमा रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया चाची को क्या कर दो, छोड़ दो। तो ये इसका पहला प्रावधान है, बड़ा पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब आप देखेंगे कि दूसरा प्रावधान और तीसरा प्रावधान, तो इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं कि भाई अंग्रेज भारत के माइंडसेट पर, भारतीयों के ऊपर न सिर्फ शक्ति के रूप में बल्कि बौद्धिक तरीके से भी उन पर वो छा जाना चाहते थे। और जब भी यदि आपको किसी के बुद्धि पर छाना हो, किसी की बुद्धि को परिवर्तित करना हो, तो उसकी दो चीजों को आप प्रहार करते हैं, दो चीजों पर आप टारगेट करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के माध्यम से ब्रिटेन की जो संसद थी उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 बनाया, और इसमें जो दो महत्वपूर्ण चीजें थी, वो जो दो प्रहार किए गए वो थे, एक तो रिलीजन यानी धर्म पर प्रहार, और दूसरा जो प्रहार था वो शिक्षा पर प्रहार, धर्म और शिक्षा पर प्रहार किया गया। आप देखेंगे मेडिवल टाइम से ही कि भाई जो मुगल काल आया और जो आप देखेंगे अकाल तख्त की स्थापना होती है, तो ये जो सारी चीजें मतलब सनातन संस्कृति के साथ, हिंदू धर्म के साथ में आपका इस्लाम का भी आगमन हुआ था और सिख धर्म की भी स्थापना हुई थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो था अभी तक 1813 तक एक फॉरेन रिलीजन था, यानी ये बाहर का धर्म था, ये भारत में नहीं आया था। लेकिन 1813 में आप देखेंगे कि इसका जो दूसरा प्रावधान है कि
सांस्कृतिक, कहा गया कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए, फॉर द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भारत में इंग्लिश मिशनरियों का आगमन हुआ। इंग्लिश मिशनरियों का आगमन। अब सिर्फ ये धर्म के प्रचार के लिए नहीं आए थे, धर्म के साथ साथ मिशनरीज का जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली ये था कि भाई लोगों को स्वास्थ्य भी मुहैया कराना और लोगों को शिक्षा भी मुहैया कराना और उनका सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान करना, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का कन्वर्जन भी हुआ और लोग जो थे उन्होंने ईसाई धर्म को भी ग्रहण किया। भाई आज के समय में हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन ये 1813 की बात हो रही है और 1813 में आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी किस प्रकार से आती है। और इसलिए आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन लागू किया था भारतीय ईसाइयों के लिए। यानी ये जो भारतीय ईसाई, जो भारतीय ईसाई टर्म आपको 1919 में दिखाई देती है, आप देखेंगे 1813 से लेकर के लगभग 106 साल का समय हो चुका है और 106 साल के समय में प्रभावी रूप से भारतीय ईसाइयों का एक नया ग्रुप बन गया था, एक नया ग्रुप आपका सामने आया था, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय लोगों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए इंग्लिश मिशनरियों का आगमन हुआ। तो बेसिकली ये एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म पर प्रहार था, नाम था सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान। क्लियर है कि नहीं? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि शिक्षा के लिए क्या किया, तो देखिए 1813 में कहा गया, 1813 के एक्ट में कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों में शिक्षा प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक की घोषणा की गई, 1,00,000 रुपए वार्षिक की घोषणा की गई, यानी 1,00,000 रुपीज एनुअली विल बी गिवन फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। तो ये 1813 में हुआ, 1813 में इसकी घोषणा हुई चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसका तीसरा प्रावधान है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शिक्षा के प्रसार की बात की गई है, है ना। शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक, उस समय का 1,00,000 रुपए आप समझ पा रहे हैं 1813 का बहुत ज्यादा ये पैसा हुआ करता था। और इसलिए इसको टाइम भी बहुत लगेगा। तो आप देखेंगे कि 1823 में, इसके 10 साल बाद, 1813 के 10 साल बाद 1823 में इसी एक्ट के माध्यम से 1823 में शिक्षा के प्रसार के लिए जो 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे तो इसकी विवेचना के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म्स। एक कमेटी बनी जिसका नाम था कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म्स। तो ये 1813 के 10 साल बाद यानी 1823 में बन रही है और 1823 में कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म बनी। ये किसके लिए थी? ये शिक्षा के प्रसार के लिए जो 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे उसके लिए। और दूसरी चीज, इसको क्या डिसाइड करना था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, यह भी इसको डिसाइड करना था, शिक्षा का माध्यम और 1,00,000 रुपए वार्षिक कैसे आवंटन किया जाएगा। 1813 में ये कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म बनी। आप देखेंगे 1813 के 10 साल बाद, याद रखना बड़ा आसान है, 1813 के 10 साल बाद और 10 सदस्यीय, तो ये कमेटी कैसी थी? 10 सदस्यीय कमेटी थी, ठीक है ना। तो ये कमेटी 10 सदस्यीय थी क्योंकि 1813 के 10 साल बाद बनी थी 10 सदस्यीय कमेटी। और इसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे, कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मैकाले, उनका नाम था मैकाले, ठीक है, मैकाले। तो मैकाले साहब जो थे ये कमेटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म के अध्यक्ष बने और इन्हें डिसाइड करना था कि भाई जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या हो। दो ऑप्शन थे, एक तो प्राच्य, देखिए प्राचीन से ही निकल करके आया है प्राच्य, ठीक है ना, और दूसरा आंग्ल, तो अंग्रेजी से ही निकल करके क्या आया है? आंग्ल। तो भाई प्राचीन भाषा का माध्यम होना चाहिए कि या अंग्रेजी भाषा का माध्यम होना चाहिए, ये इन्हें डिसाइड करना था। और जो प्राच्य भाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, और इसे कह देते हैं जो इसके समर्थक थे उन्हें कहते हैं एंग्लिसिस्ट। तो एक बड़ा
फाड़ एक तय हो गया था, एक ग्रुप्स जो बन गए थे, और इसमें ये देखना था कभी जो प्राच्य के जो समर्थक हैं, ओरिएंटलिस्ट के जो समर्थक हैं, उनके जो प्रमुख थे वो थे प्रिंसेप, प्रिंसेप, तो प्राच्य से याद रखेंगे प्रिंसेप, और आंग्ल जो भाषा होनी चाहिए माध्यम के रूप में, इसके जो समर्थक थे उनका नाम था ट्रेवेनियर। तो ऐसे याद करेंगे कि भाई ये जो प्राचीन थे उससे प्रिंसेप आ गया, ओरिएंटलिस्ट में प्रिंसेप आ गया आपके, ठीक है, और आंग्ल भाषा के जो समर्थक थे वो ट्रेवल करके आए थे, तो वो ब्रिटेन से ट्रेवल करके आए थे, इसलिए उसका क्या नाम था, ट्रेवेनियर। तो आंग्ल के समर्थक ट्रेवेनियर हो गए, प्राचीन के समर्थक आपके प्रिंसेप हो गए। तो ये जो ट्रेवेनियर थे ये कहते थे कि भाई जो शिक्षा का माध्यम है ये आंग्ल होना चाहिए, और प्रिंसेप कहते थे कि ये प्राची होना चाहिए। ये दो ग्रुप्स थे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे। तो बड़ी चर्चा वर्चा चली, और देखिए 10 साल यहां भी लगे थे तो 10 साल अब और लगेंगे। 1800 आप देखेंगे 1833 में, ठीक है ना, 1833 में 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए, 1833 में 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए, और शिक्षा का जो माध्यम था वो किसको चुना गया था, आंग्ल भाषा को चुना गया था। तो यहां पर जो जद्दोजहद हो रही थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो धर्म और शिक्षा पर प्रहार किया गया, तो धर्म पर भी प्रहार हुआ सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के रूप में, और शिक्षा पर भी प्रहार हुआ, जहां कहा गया कि 1813 में शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक होगा, वहां कमिटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म की घोषणा होती है, और कमिटी फॉर पब्लिक रिफॉर्म ये चर्चा करती है, भाई सीधी सी बात है उनको चुनना आंग्ल भाषा को ही था, तो चुना किसको, आंग्ल भाषा को था, ठीक, तो आंग्ल भाषा को चुना और 1,00,000 रुपए वार्षिक आवंटित किए 10 साल बाद। और यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और साथ ही साथ लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी कहा जाए, और एक दशा को परिवर्तित करने में इस एक्ट ने बड़ा काम किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बड़े स्तर पर यह भी चीज हुई कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का क्या हुआ, समाप्त हुआ, बस चाय और चीन को छोड़कर, जिसको हम 20 साल बाद ये देखेंगे कि भाई 1773 के 20 साल बाद 1793, 20 साल बाद 1813 और 20 साल बाद 1833। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, चाची भी उनसे छीन गई, यानी चाय और चीनी भी उनसे छीन गई, यानी कुल मिलाकर के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से, जो इसके 20 साल बाद आया, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से यदि आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए और जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ, आपका इंतजार रहेगा, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।